गंदगी की धूमधाम, नगर सेविका गुमनाम। टूटी गलियां, शौचालय के दरवाजे हुए गुल। क्या नगर सेविका को मतदान करना था एक भूल? जनता को कब मिलेगा इंसाफ? क्या है मैडम के वसूल? मुंबई के वार्ड क्रमांक 16 का रिपोर्ट कार्ड पिछले हफ्ते जनता के समक्ष उजागर करने के बाद हमारी टीम ने एक बार फिर दौरा किया बोरीवली के वार्ड क्रमांक 16 के सिंपोली रोड दुर्गाधाम रहवासी संघ का। इलाके में ना तो शौचालय की कोई दुरुस्त सुविधा है और ना ही चलने लायक गलियां हैं। एक बार साफ करना चाहिए, वो बहुत बास मरता है गली में और पैसा तो बराबर लेके जाता है महीने का, ऐसा नहीं होता है ना। अभी वो रास्ता भी बराबर नहीं है, बच्चे लोग गिरता है, पानी जमा होता है रास्ते पे, फिर इधर ऐसा रोड पे कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है तो रोज का रोज उठाता नहीं है, बराबर बास मारता है। वो सब क्लीन चाहिए, इन्फेक्शन होता है बच्चे को, सब बीमार पड़ता है इसके लिए। वो सब क्लीन चाहिए हम लोग को। पैसा जो जाता है तो हम लोग को ये नहीं है कि पैसा का वसूल तो होना चाहिए ना, पैसा लेके जाते तो सब करना चाहिए। सिंपोली में ऐसा होता है क्योंकि बाथरूम भी सही नहीं है, इतना दिन पानी का ठिकाना नहीं था, पानी इधर उधर से ला के देता था, अभी पानी आया तो अभी बाथरूम सही सलामत नहीं है। बाथरूम ऐसा करते हैं कि पूरा बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं है, उसका पानी भी सही सलामत नहीं मिलता, धोने वाला भी बराबर नहीं आते, पैसा तो वसूल सब करके लेके जाते और धोने वाला कोई भी आगे नहीं आते। हम लोग को इतना ही चाहिए कोई भी आगे अच्छे से आगे आके करके हम लोग को स्वच्छ भारत करके दे दो। क्लीन नहीं होता है, एक गटर भर जाता है, सब पब्लिक को तरस होता है, अच्छा होना के लिए बोलता है, सब लोग अच्छा करना मांगता है। धोने के लिए कभी नहीं आता है, पैसा लेके जाता है, सबका देके भी अच्छा नहीं करते तो ये मांगता है ना। हाँ, सब धोना मांगता है, स्वच्छ मांगता है, भर जाता है, पब्लिक कोई देखता नहीं है, सब स्वच्छ होने के लिए। जनता परेशान है, बेबस है, लेकिन नगर सेविका को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। नगर सेविका मैडम को तो बस जुमलेबाजी में ही आनंद आता है। सामने का जो टॉयलेट है, वो टॉयलेट मैंने बोला है बीएमसी को कि वो टॉयलेट एक तो सफा करने को, मैं दो बार वो सफा कर चुकी हूँ, उसमें उन लोग पत्थर डालेंगे, वाटर डालेंगे, वो तो छोटे लोग नहीं है। थोड़ा उन्होंने देखो, बीएमसी खासदार रामदार के फंड से जब टॉयलेट बनते हैं तो उसकी देखभाल वो एरिया के लोगों ने करनी चाहिए, उनके अंडर दिया जाता है तो उनकी देखभाल वो लोग नहीं करते हैं। उसमें जाके पत्थर डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, गंदगी। देखो, अपने को संभालें, अपना घर का, घर में टॉयलेट हो तो हम लोग घर में सफा रखते हैं ना, या उसमें कोई डालता है? नहीं डाल सकते, तो ऐसे ही समझना चाहिए हर एक ने। इसलिए मेरा तो मतलब बोलना है कि टॉयलेट जब बांधा जाता है उसको सुलभ शौचालय ही होना चाहिए, तो उसका देखभाल करने वाला वहाँ पे रहना चाहिए। इलाके में दौरा करने के दौरान टीम ने यहाँ के स्थानीय जनता की परेशानियों को देखा और सुना। इलाके में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें नगर सेवकों की जुमलेबाजी की आदत हो चली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नगर सेवकों के जुमलेबाजी से अब थक चुके हैं और अब बदलाव की तलाश में है। गटर बनाता है, उसको चंबर भर जाता है, वो साफ भी नहीं होता है, पूरा भर जाता है तो कोई बोलता है तो सुनता नहीं है, और बारिश में तो बहुत तकलीफ होता है। और रोड बनाता है तो कोई भी चंबर में स्लो भी नहीं रहता है, पाइप में से तो पानी तो जाता ही नहीं है, या हमेशा भर जाता है, सबके घर में पानी आता है। हमारा घर में तो आता ही है, सबका घर में तो आता ही है बारिश में। ये चंबर बना के देना चाहिए गवर्नमेंट। हमारे एरिया में साफ सफाई नहीं है, हमारे घर के बाजू में भी नाला भर चुका है, साफ सफाई नहीं होता है, पूरा कचरा एक ही जगह पे आके अटकता, तो कोई निकालने वाला भी नहीं होता, बीएमसी वाले भी आते नहीं कोई। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर नगर सेविका मैडम कब समझेंगी अपनी जिम्मेदारी और कब तक जनता करेगी मैडम के आने वाले विकास कार्यों का इंतजार। न्यूज़स्टॉक लाइव के लिए मुंबई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी and commitment.
global advertiser for innovative outdoor solutions.